क्या नकली थी ऑल आईज ऑन राफा की वायरल फोटो? क्या इसराइल ने राफा पर अब पूरी तरह से कब्जा कर लिया है? आइए आपको सभी अपडेट्स इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल दुनिया भर में ऑल आईज ऑन राफा पर एक कैंपेन चलाया गया जिसमें दुनिया भर के लोगों ने हिस्सा लिया। इंस्टाग्राम पर स्टोरी को रीपोस्ट किया गया जिसकी संख्या करोड़ों में जा पहुंची। इंडिया की बात करें तो बॉलीवुड स्टार्स भी इस कैंपेन का हिस्सा बने जिसके लिए वो ट्रोल भी हुए और अभी तक बॉलीवुड बायकॉट ट्रेंड कर रहा है। दरअसल इस बीच ये खबरें आ रही थीं कि राफा पर इसराइल ने कब्जा कर लिया है। तो आपको बता दें कि अमेरिका ने बुधवार यानी 29 मई को ये मानने से इनकार कर दिया कि इसराइल सेना ने राफा को कब्जे में लेने के लिए बड़े लेवल पर ऑपरेशन लॉन्च किया है। बीबीसी के मुताबिक व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किब्री ने कहा है कि अमेरिका को नहीं लगता कि इसराइल ने पूरे राफा पर कब्जा कर लिया है, जबकि इसराइल सेना 7 मई को टैंकों के साथ राफा में कब्जे के इरादे से घुस गई थी। अब वो राफा के सेंटर तक पहुंच गए हैं और उन्होंने मिस्र के बॉर्डर पर भी कब्जा कर लिया है। वहीं रविवार को इजरायली सेना के हमले में राफा के रिफ्यूजी कैंप में रह रहे 45 लोगों की जान जा चुकी है और 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक महीने पहले इजरायल को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर इजरायल राफा के राहत शिविरों या ज्यादा जनसंख्या वाले इलाकों पर हमला करता है तो वो इजरायल को हथियार देना बंद कर देंगे। उन्होंने कहा था कि इजरायल राफा में घुसपैठ को लेकर अमेरिका की खिंची लकीर को ना लांघे। वहीं जब व्हाइट हाउस से सवाल किया गया कि क्या इजरायल ने राफा पर हमला कर अमेरिका की खींची सीमा का उल्लंघन किया है तो इसका जवाब देते हुए किब्री ने साफ कर दिया कि अमेरिका को ऐसा नहीं लगता कि इजरायल ने कुछ गलत किया। किब्री ने कहा, हमने अब तक इजरायल सेना को राफा में तबाही मचाते नहीं देखा है। हमने नहीं देखा कि इजरायल सेना की बड़ी बड़ी टुकड़ियां राफा में घुस रही हों। उन्होंने कहा कि हमने इजरायल के लिए अपनी नीतियों में कोई बदलाव नहीं किया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका राफा पर कब्जे का समर्थन नहीं करता है। अगर उन्हें लगता है कि इजरायल ने उनकी रेड लाइन क्रॉस की तो उसको इसराइल का समर्थन न करने के बराबर सोचना पड़ सकता है। आपको बता दें, राफा पर हमले से पहले इसराइल ने 1,00,000 फिलिस्तीनियों को इलाके से निकालने की बात भी कही थी। इसके अलावा इसराइल ने इंटेलिजेंस के हवाले से दावा किया था कि हमास सीमा का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए करता है। इसके अलावा ऑल आईज ऑन राफा की तस्वीर का भी एक अपडेट सामने आया है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI द्वारा बनाई गई पहली वायरल एक्टिविज्म तस्वीरों में से एक हो सकती है। फैक्ट चेक को स्टडी करने वाले मार्क ओवेन जॉन्स के मुताबिक ये तस्वीर ऐसी लगती है जैसे इसे AI द्वारा बनाया गया हो। NBC की रिपोर्ट के मुताबिक ये तस्वीर बहुत वास्तविक नहीं लग रही है, इसे AI द्वारा बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि ये नारा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों के कार्यालय के निर्देशक रिक पीपरकॉर्न के एक बयान से आया है। उन्होंने ये टिप्पणी फरवरी में की थी जब बेंजामिन नेतन्याहू ने राफा के लिए निकासी योजना का आदेश दिया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।